नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं काविंद्र चौहान हूं और सत्ता का संग्राम कार्यक्रम को हम शुरू कर चुके हैं। आज एक सवाल के साथ बातों को शुरू करूंगा। सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों को वापस कराने का आंदोलन है, या MSP पर कानून लाने के लिए आंदोलन है, या फिर अब यह आंदोलन हो चुका है लखीमपुर खीरी को न्याय दिलाने के लिए। ये किस तरीके का आंदोलन है जिसकी सीमाएं अब बदलती ही जा रही हैं, जिसकी राजधानी पहले जहां गाजीपुर बॉर्डर के रूप में देखी जाती थी, सिंघू बॉर्डर देखा जाता था, टीकरी बॉर्डर देखा जाता था, लेकिन अब इसका स्वरूप, इसकी राजधानी, इसका फोकल पॉइंट, इसका लोकल पॉइंट सब बदल चुका है। अब लखीमपुर खीरी से ही किसान आंदोलन की बात हो रही है। किसान आंदोलन की बात करते करते हम लोग लखीमपुर घटना तक पहुंच जाते हैं और लखीमपुर की बात करते करते किसान आंदोलन तक पहुंच जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर किसान आंदोलन की अब मांग क्या है। सवाल यह है कि राकेश टिकैत अब 3 कृषि कानूनों को वापस कराने की मांग को बल क्यों नहीं दे रहे, बल्कि वो बल इस बात पर दे रहे हैं कि कब मंत्री जी इस्तीफा देंगे, कब मंत्री जी को बर्खास्त किया जाएगा और कब मंत्री जी का बेटा गिरफ्तार होगा। सवाल इसलिए भी है क्योंकि किसान आंदोलन, जो आंदोलन किसी और मसले पर शुरू हुआ था, समय के साथ साथ वो आंदोलन बदलता चला गया। आंदोलन जब पहले दिन की बात करूं, मैं भी मौके पर मौजूद था जब झड़प भी हुई थी पुलिस के और किसानों के बीच, तब आंदोलन में एक ही स्वर में एक ही बात कही जा रही थी कि 3 कानून जो बनाए गए हैं वो दरअसल काले कानून हैं, इनको वापस लिया जाना चाहिए। बदलते हफ्तों के साथ बातें भी बदल गई, MSP तक बात पहुंच गई और कहा गया कि MSP पर कानून बना के दो। अब बदलते बदलते ये बातें इतनी बदलती चली गई कि जनवरी में हिंसा हुई, हिंसा को लेकर जांच हुई, जांच में BJP पर ही आरोप लगा दिया गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में BJP वर्सेस किसान हो चुका है। तो ये आंदोलन कैसे सरकार वर्सेस ना होकर अब BJP वर्सेस हो गया है, इस पर जांच जरूरी है, क्योंकि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या किसानों का जो एजेंडा है वो अब बदलता जा रहा है, क्यों अब ऐसा हो रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जब जाकर देखते हैं तो किसानों की जितनी संख्या है उससे x5 संख्या में अब वहां पर टेंट नजर आते हैं। क्या धीरे धीरे किसान आंदोलन की जो पूरी स्वरूपता थी, जो पूरी रूपरेखा थी, वो बदल चुकी है, क्योंकि टीकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर इतने किसान नहीं दिखते अब जितने वहां पर टेंट हैं। तो क्या आंदोलन सिर्फ सिंबॉलिक रह चुका है, क्या गाजीपुर बॉर्डर पर आप जाकर हम देखते हैं तो क्या वो भीड़ नजर आती है या नहीं नजर आती? ये सारे सवाल आम लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूं ताकि दर्शक खुद इस बात को जज कर सके। अब बात जिस पर करनी है उस पर आ जाते हैं। बात इस पर करनी है कि क्यों आखिर राजनेता अपनी राजनीति से बाज नहीं आते। राजनीति का काम अगर जनसेवा है तो जनसेवा से भटक कर ये कैसे जन के खिलाफ हो जाती है। मुद्दों के साथ बात करता हूं। पहली बात करूंगा, एक पहलू खान का मामला था जिसको लेकर खूब चर्चाएं हुई, इसके साथ ही अखलाक का मामला था, दादरी में लिंचिंग केस का हुआ था, लेकिन जब मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि दादरी लिंचिंग केस में मुस्लिम परिवार में जब एक मुस्लिम की मौत हो गई तो उसको लेकर राजनेताओं की झड़ी लग गई, उसको लेकर राजनेताओं का प्रेम जो था वो माइनॉरिटी को लेकर एकदम सामने आ गया। लेकिन इसके बाद क्या हम लोगों ने जांचने की कोशिश करी कि 6 साल में कितने राजनेताओं ने वहां पर मुसलमानों की कोई भी परेशानियों को सॉल्व करने का निर्णय लिया हो? क्या कोई भी नेता जैसे कि समाजवादी पार्टी की बात करूं जो सबसे आगे थे उस वक्त, क्या उन्होंने जाकर वहां पर किसी परिवार से जाकर बातचीत की कि क्या कोई समस्या तो नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या हाथरस कांड के बाद कोई भी नेता पहुंचा? ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आता। तो अब लखीमपुर खीरी को, जो कि नई राजधानी सी बन चुकी है, ऐसे में लखीमपुर के खीरी के रास्ते कैसे लखनऊ जाने की जो सियासत है उसकी जो शुरुआत हो चुकी है, उसी सब पर चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को इतना समय क्यों दिया गया, इतने समय तक उनको मिलने क्यों नहीं दिया गया? प्रियंका गांधी को अगर दूसरे दिन ही मिलने देने दिया जाता तो क्या आपको नहीं लगता कि सियासत थोड़ी कम हो सकती थी या फिर मामले को दबाया जा सकता था? एक और सवाल निकलकर सामने आता है कि क्या राकेश टिकैत अब BJP की वी टीम हो चुके हैं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राकेश टिकैत को क्यों पहले दिन ही मिलने दिया गया, और पहले दिन मिलने दिया गया तो ऐसी क्या उनकी सरकार के साथ बातचीत हुई कि पहले दिन ही मसले को दबा लिया गया? यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसान आंदोलन किसी और चेहरे के साथ शुरू हुआ था। किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शुरू हुआ था। आज किसान मोर्चा का कहीं भी बात नहीं होती, संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े बड़े बैनर नहीं दिखते, बल्कि अब राकेश टिकैत दिखते हैं। क्या राकेश टिकैत को इतना बड़ा चेहरा बनाने के लिए BJP ने सब कुछ किया? BJP ने ही राकेश टिकैत को खाद फसल लगाकर इतना बड़ा चेहरा बना दिया कि आज किसान आंदोलन में एक ही चेहरा है जो लीडिंग वे में नजर आता है, जो कि नाम से पुकारें तो राकेश टिकैत नजर आते हैं। और राकेश टिकैत को अगर BJP के साथ मिला दिया जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्या
राकेश टिकैत बीजेपी के द्वारा प्रायोजित हैं? क्या राकेश टिकैत को बीजेपी ने इतना बड़ा बनाया कि कभी भी उनको बैठा दिया जाए जिससे आंदोलन भी बैठ जाए? ये सारे सवाल हैं जो दर्शकों को सोचने, समझने और पहचानने की जरूरत है। ऐसे में जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी नेताजी जुड़ेंगे, नाम है पवन गुर्जर साहब जुड़ेंगे, केसी जैन साहब बीजेपी से जुड़ेंगे, अभिषेक पवार साहब हैं वो किसान नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहले हम जो बातचीत है उसकी चर्चा की शुरुआत करेंगे, डिबेट को खोलेंगे हम केसी जैन साहब के साथ और अभिषेक पवार साहब के साथ, दोनों लोगों के साथ डिबेट को खोलेंगे। अभी पवन गुर्जर साहब को थोड़ी देर के लिए विश्राम देंगे। जी ठीक है, तो अभिषेक पवार साहब और केसी जैन साहब जरा स्क्रीन पर आइएगा। ठीक है, तो अभिषेक पवार साहब हैं, अभिषेक पवार साहब के साथ डिबेट को खोलते हैं। अभिषेक पवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है अभिषेक पवार साहब, आवाज को सुन रहे हैं आप? ठीक है अभिषेक पवार साहब, ये बताइए कि ये आंदोलन अब दरअसल क्या मांग रहा है, स्पष्ट बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कामेंद्र जी और न्यूज वर्ल्ड का भी जी। मैं देखिए दो आंदोलन है अभी, एक आंदोलन जो मेरे देश का किसान पिछले 10 महीने से कर रहा है जी जी, और एक आंदोलन जो 11 तारीख तक जिन्होंने मेरे देश के किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, उनकी हत्या करने का काम किया, वो आंदोलन गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी तो उसके बाद स्टार्ट होगा अगर गिरफ्तारी नहीं होती। ठीक है, गिरफ्तारी तो पूछना चाहता हूँ कौन सा आंदोलन की बात कर रहे हैं जी? एक बात सुनिएगा पवार साहब कि आशीष पांडे और लव कुश दो की गिरफ्तारी हुई है। देखिए जिस तरीके से आशीष पांडे मुख्य आरोपी कौन है? मैं गाड़ी में बैठने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन मुख्य आरोपी मैं पूछना चाहूंगा कौन है? मुख्य आरोपी कैसे तय करते हैं आप? मुख्य आरोपी कैसे तय करते हैं? वीडियो में दिखाई पड़ रहा है जिस वीडियो में आशीष मिश्रा मुझे तो नहीं दिखे किया किसान अपना जी जी, वीडियो में आशीष मिश्रा नहीं दिखे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि प्रमुख को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, प्रमुख आरोपी आप कैसे मतलब कैसे इसको पहचानते हैं? जी मेरे पास कुछ वीडियो है जो कि इस गोदी मीडिया द्वारा नहीं दिखाई गई जी, और आपको मैं बताऊं उस वीडियो में सीधे सीधे आप सोशल मीडिया पर डालिए, कौन सी मीडिया वीडियो जो है आप मीडिया के द्वारा दिखाई? वीडियो बहुत वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा दिखाई। मैं कहूं तो आपको पर्सनली मैं भेज दूं? नहीं बिल्कुल, जिसमें माननीय मंत्री जी के बेटे गाड़ी से उतरते दिखाई दे रहे हैं, ड्राइव वॉक कर रहे थे। सोशल मीडिया पर क्यों डाला? वो जमाने चले गए। देखिए पवार साहब, वो जमाने चले गए जब मीडिया खुद ही वीडियोस रिलीज करता था, अब तो कोई भी सोशल मीडिया पर डाल देता है, अब तो मीडिया चैनल भी सोशल मीडिया से उठा रहे हैं। बहुत लोगों ने डाला हुआ है, मैंने खुद अपने पेज पे डाला हुआ है और वो वीडियो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये गोदी मीडिया उस चीज को, मोदी मीडिया उस चीज को दिखाने का काम नहीं करती है। लेकिन रही बात दूसरी, तो राकेश टिकैत साहब दिखा दें, राकेश टिकैत साहब डेली कैमरे के सामने आते हैं, वो दिखा दें। आपको मैं बता दूं आपने अभी एक बात की कि चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां पे किसान नहीं दिखाई देते, वहां पे केवल टेंट दिखाई देते हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अभी खेत में काम चल रहे हैं, मेरे देश का किसान एक नजर अपनी खेत की तरफ रख रहा है और दूसरी नजर आंदोलन की तरफ रख रहा है। जिस दिन भी किसी प्रकार का कोई भी इस भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा या कॉरपोरेट सरकार में नाम दूंगा, व्यापारी सरकार में नाम दूंगा, अगर इन लोगों ने कोई भी मेरे देश के किसानों के साथ गलत भूमिका निभाने का काम किया तो मेरे देश का किसान ये दिखा देगा कि गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे कितने लोग हैं, लाखों की संख्या में ट्रैक्टर और लाखों की संख्या में किसान पहुंचने का काम करेगा। ठीक है देखिए, मैं आपने ठीक है क्लैरिटी दी, लेकिन मैंने भी उसी बात को कहा कि जब हम खुद जाकर देख रहे हैं अब तो वहां पर टेंट ज्यादा दिख रहे हैं, किसान कम देख रहे हैं, तो ये प्रतीकात्मक हो चुका है आंदोलन।
जी, मेरे देश के जो किसान हैं उनकी एक नजर अपने खेत पे है, देश का एक किसान, देश का, नजर देखिए सुनिए, अंदर। देखिए सुनिए अभिषेक पवार साहब, देश का किसान तो जी पहले भी खेतों में ही था, ऐसा कहना है। देश का किसान पहले खेतों में था, लेकिन ये सरकार की जो इन्होंने देश तीन का काले किसान भारतीय कानून किसान में, यूनियन में थोड़ी ना है, देश का किसान तो बहुत, अरे देश में तो करोड़ों, हमारी तो संस्कृति किसान ही रही है, देश खेती का, किसान ही रही है। देखिए बात भारतीय किसान यूनियन की नहीं है, बात संयुक्त मोर्चा की है, संयुक्त मोर्चा बात कहाँ देश दिखता के है, संयुक्त किसानों की मोर्चा है। कहाँ रह गया, बैनरों से भी गायब हो गया, अब तो सिर्फ राकेश टिकैत साहब रह गए। अरे देखिए, देश का हाँ संयुक्त किसान मोर्चा, बैनरों की संयुक्त मोर्चा राजनीति में नहीं तो पहले करता भारतीय है। किसान यूनियन भानुगुट भी था, भानुगुट तो आज आप ही मैं पर क्या आरोप कह लगा रहा रहे हैं। हूँ, देश का किसान बैनरों की राजनीति नहीं करता, बैनरों की राजनीति प्रचार की राजनीति कोई करता है तो केवल केवल मोदी सरकार करती है। आपको मैं बताऊं, देश का किसान बैनरों की राजनीति नहीं करता, वो अपनी मांग के लिए अड़ा हुआ है, और जब तक ये तीन काले कानून और लखीमपुर खीरी में मेरे किसान भाइयों के साथ जो नरसंहार हुआ है, जो लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ है, अगर उसमें सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से 11 तारीख के बाद वहां पे दिखाई पड़ जाएगा कि देश के किसान की ताकत क्या है। नहीं ठीक है, राकेश टिकैत साहब ने कहा है समय लिया है, अब समय जब तक उन्होंने लिया है तब तक तो उन्होंने खुद ही बातचीत करी है। ठीक है, अब मैं पवन गुर्जर साहब के पास आना चाहूंगा। ठीक है, केसी जैन साहब हैं, ठीक है जी केसी जी जैन जी साहब के पास आएंगे, भारतीय जनता पार्टी से हैं। केसी जैन जी साहब ये नमस्कार। बताइए, एक मंत्री को बचाते बचाते, एक मंत्री के बेटे को बचाते बचाते कहीं खुद तो नहीं फंस गए? देखिए, पहली बात तो ये है कि कहीं पे भी किसी को बचाया नहीं जा रहा है, और लखीमपुर की जो भी घटना हुई दुखद है, पीड़ादायक है, उसमें हमारे जो देश और प्रदेश के ही वो लोग हैं, ये अलग बात है कि वो किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं या किसी पार्टी से जुड़े रहे हैं, वो अलग विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत राहत देते हुए 45-45 लाख रुपए की राहत के परिवार वालों को दी है, परिवार वालों को हर तरीके का सहयोग किया। भैया माफी बताइए, चाहूंगा, 45 लाख मैं क्या बीच में होता है, बोल रहा हूँ, 45 लाख क्या होता है, 45 लाख से मामले को कैसे दबा लेंगे? मैं ये माफी मुआवजा चाहूंगा, मैं पॉलिटिक्स बीच को में आप बोल भी कर रहा रहे हूँ, हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में बोल रहा नहीं हूँ, नहीं बिल्कुल बोलिए चांद आप, साहब, मैं बोलिए, माफी बोलना बोलिए, चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ। आप एक एक बात मिनट बोलिए, लीजिए, बात पूरी ये अभी बोलिए, केसी जैन साहब कह रहे हैं कि पैंतालीस पैंतालीस लाख बात रुपए पूरी क्या हो जाए किसान को तो खरीदना बोलिए चाहते हैं? एक तरफ हत्या कर दो, एक तरफ किसान को खरीदेंगे क्या? अच्छा, जिन्होंने चार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की उनके साथ क्या होना चाहिए? जिन्होंने ड्राइवर को पीट पीट के मार डाला उनके साथ क्या होना अरे आप चाहिए? सरकार में, आप अरे उनसे क्यों अरे पूछ रहे हैं क्या अरे होना चाहिए? आप सरकार में, आप देखिए, बताइए क्या होना चाहिए? एक आप सेकंड जा पवार रहे साहब, हैं, एक सेकंड, आप बताइए। नहीं, नहीं केसी जैन साहब, आप उनसे आपके क्या पास पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए? आप बताइए क्या होना चाहिए? आप सरकार में हैं, देखिए, आप मैं बताएंगे क्या पहली होना बात चाहिए? ये अब से मैं बता रहा हूँ। हाँ पहली बात तो ये है कि अगर अपनी अपनी बारी में तो आप की जो चारों जनता जो चैनल देख रही है उस तक हाँ बात पहुंचेगी, हाँ बोलना और मंडी लगाने से। देखिए, पहली बात ये हमने पहले ही कहा आपने कि जो भी घटना, और कई सारे प्रश्न उठते हैं, अभी जांच एजेंसी उसकी जांच, वर्तमान में अरे जो जांच चल रही सिटिंग है, जज है जांच उसका चल रही है, जांच चल रही है, जांच का क्या झुंझुना, कहां तक आप, कब तक बजाएंगे, कब तक ये ढपली बजाएंगे? ये बताइए, आप तो उनमें से हैं जो किसी भी मामले में अगर लिप्त पाया पहली जाता है तुरंत दंगे का सर्टिफिकेट लगाकर फोटो चस्पा करा देते हैं बीच चौराहों पर। अब आप कहां जांच का झुंझुना लटका के घूम रहे हैं? बात जी आप उसको अगर झुंझुना कह रहे हैं, हाँ ये जो झुंझुना है इसी से देश चलता है। जो संविधान है, जो हाँ संवैधानिक प्रक्रिया है, हाँ उसका पालन संवैधानिक करना अगर प्रक्रिया, आप झुंझुना कह संवैधानिक रहे हैं प्रक्रिया का हवाला अगर आप दे रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया में कहां गाड़ी पलटा रहे हैं आप? उसके बाद आप ही के नेता, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, आप ही के विधायक सांसद, यही लोग देखिए, उस चीज को बड़ी ताली बजा के गाजे बाजे के साथ खूब उसका बढ़ा चढ़ाकर बात को पेश देखिए करते थे। पहली जी हाँ बात तो बिल्कुल। ये और है, एक और चीज, देखिए, ये संविधान में कहां लिखा है कि आप चौराहों पर फोटो लगाइएगा किसी भी अपराध के, अपराधी की, जिसने अपराध किया हो? अब आप अगर आप जवाब सुनना चाहें तो मैं जवाब, अरे और भैया आपके आप जवाब को ना सुनने की एक कैसे गलती कर विपक्ष सकता हूं? जी बताइए। की, अगर आप विपक्ष की तरीके से केवल आरोप लगा करके हमारी जवाब देखिए, लेना चाहते आप तो लोगों पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, चौहान साहब, आप लोगों पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं रुक मोदी जाइए, सरकार की मीडिया इनकी बात सुने तो
तो सब ठीक, वरना कल आपका चैनल बंद करा देंगे। मैं ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, कल आपका चैनल भी बंद करा सकते हैं। विपक्ष की भूमिका बता रहे हैं, अगर आप सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, अगर आप सच्चाई बता रहे हैं तो अरे भैया चैनल बंद से आउट हो रहा हूँ। छोड़िए अभिषेक साहब, छोड़िए केसी जैन साहब, जवाब मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करता हूँ, भाषणबाजी यहाँ पे नहीं चली। नहीं नहीं केसी जैन साहब आप जवाब, जैन साहब आप जवाब दीजिए। अगर अगर आप अभिषेक जी को चुप करें तो मैं जवाब। नहीं अभिषेक जी आप उनको बोलने दीजिए, केसी जैन साहब आप बोलिए। मुझे आप दो मिनट का समय दीजिए, दस मिनट से आप सवाल पूछ रहे हैं, दो मिनट तो जवाब लीजिए। ठीक है दीजिए दीजिए जवाब दीजिए। 20% और 80% रखिए आप, अब जवाब दीजिए। देखिए मैं आप घटना जो है दुखद घटना है और इसकी जांच हो रही है, बिना जांच के हम लोग परिणाम पे नहीं पहुंच सकते, ना आप वहां मौके पे थे ना मौके पे जो लोग थे, उनके बयान लिए जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ उनको सफाई कर रहा हूँ, कोई नहीं था, कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ हुआ उसकी पूरी बात पड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस घटना में हस्तक्षेप किया और बड़े स्तर पे इसकी जांच हो रही है, जांच चीटिंग जो जजेस हैं उनके माध्यम से हो रही है, जिसकी मांग किसान नेता कर रहे थे, किसान नेताओं की जो मांगे थी वो सारी मांगे कि वहां पे घटना कैसे हुई ये स्पष्ट जांच होने के बाद ही आएगा। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर हेलीपैड पे जो है ट्रैक्टर टायर खड़े कर दिए गए, जिस प्रकार से गाड़ियां रखी गई, थोड़े गए लाठी और उसके बाद जो हादसा हुआ, कहीं ना कहीं मंत्री जी के काफले पर और मंत्री जी की जान से मारने का पूर्ण रूप से षड्यंत्र का ये दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची है, छोड़िए भाई उधर मत जाइए, क्या चीज थी, कौन जितने भी लोग उसमें शामिल थे उनकी जो फोटोग्राफी हो, चाहे अभिषेक के पास हो या हमारे पास आई हो, या आपकी मीडिया कर्मियों के पास वीडियो तक हो, ठीक है जांच चल रही है, बढ़िया चीज है, जांच चल रही है, बढ़िया चीज है, अभी तक ठीक है। कैसे पहुंचा और किसके पास परमिशन थी, ये धरना प्रदर्शन करने वाली बात है, लेकिन अन्याय करते ना कहां तक जाएंगे, तक ठीक है ठीक है ठीक है, किसानों के नाम पर आप आंतरिक काम की हत्या करने लगेंगी, वहां पे जो चार भाजपा कार्यकर्ता मारे गए, ड्राइवर मारा गया, ये किसान नेता के साथ बिल्कुल नहीं, ठीक है ये बताइएगा ठीक है ये बताइए मंत्री जी की जो बोलते हैं आशीष भाजपा कार्यकर्ता मारे गए, हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। अभिषेक जी लेकिन 1000 किसान मेरे गाजीपुर बॉर्डर पर मर गए, आंदोलन में मर गए, अभिषेक क्या था, अरे अभिषेक दुख व्यक्त करते हैं, आपके कार्यकर्ता मारे गए। अभिषेक जी किसने पीट पीट के मार डाला, ठीक है अब एक बात बताइए, रुकिएगा केसी जैन साहब एक मिनट रुकिए, केसी जैन साहब ये बताइए कि अभी आशीष मिश्रा कहाँ है। देखिए ये पुलिस जांच का विषय है, नहीं नहीं ये पुलिस जांच का विषय कैसे है, वो कहाँ है ये भी जांच का विषय है, ये बताइए आशीष मिश्रा कहाँ है, वो कहाँ पे, वो हमको बता के थोड़ा जाते हैं, आपको बता के जाते हैं, फरार है, पुलिस की जांच का विषय है, फरार है, और दूसरी फरार है, बात ये उनके खिलाफ जब कोई एफआईआर है तो फरार होने का क्या मतलब है, कहाँ है फरार होने का क्या मतलब है, कहाँ है, पुलिस उनको नोटिस देगी अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो, बाकी व्यक्ति स्वतंत्र है। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मैं क्या पूछ रहा हूँ, उनके खिलाफ कहाँ है, कहाँ है उनके खिलाफ एफआईआर नहीं, पुलिस कह रही है वो घर पर नहीं है, वो कहाँ है, पुलिस कह रही है वो घर पर नहीं है, घर पर ये पुलिस पता करेगी कहाँ पे है, फरार क्यों है, जब कुछ किया नहीं फरार क्यों है। देखिए पहली बात तो ये कि बिल्कुल अगर वहां पे मौजूद होते जिनकी आप मंत्री जी के बेटे की तो चार भाजपा कार्यकर्ता मारे गए हैं, अरे आपको कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, किसान नहीं दिखाई दे रहे, किसानों को किसान दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे, ये जान जाने का जो पैमाना है आप कैसे इसको सेट कर रहे हैं। देखिए ये कैसे तय होगा कि वो किसान थे या षड्यंत्रकारी थे, कैसे तय करते जिनकी हैं जान गई है वो भी षड्यंत्रकारी थे, ये तो पूरी जांच का विषय है, तो जांच का विषय तो क्यों बोल रहे हैं। आशीष मिश्रा कहां ये बताइए मुझको, नहीं मैं आपके प्रश्न का जवाब स्पष्ट रूप से दे रहा हूं जो आप पूछ रहे हैं, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपसे ये जांच का विषय, जांच में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त करते हुए, आशीष मिश्रा कहाँ है, 45 लाख रुपए किसानों के परिवार वालों, आशीष मिश्रा फरार है, आशीष मिश्रा फरार है,
लोगों ने पीट पीट करके भाजपा कार्यकर्ता और ड्राइवर की हत्या की है, तरीके से आत्मरक्षा की हत्या कर दी गई। क्यों की है, क्यों हत्या की है, क्यों हत्या की, पूरा षड्यंत्र आशीष मिश्रा की हत्या का था। यह स्थिरता पैदा करने के लिए, देश और प्रदेश में, प्रदेश को बदनाम करने के लिए है, और प्रदेश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से मिलजुल करके चुनाव लड़े थे, वैसे ही मिलजुल बदनाम करने में लगे हुए। ठीक है, चलिए, आपने ये जवाब नहीं दिया कि आशीष मिश्रा क्यों फरार हैं। कल तक लंबी लंबी बाइटें दे रहे थे, आज फरार हो गए। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए पवन गुर्जर साहब हैं। पवन जी, पवन जी, ठीक है ठीक है, आप रुकिए, केसी जैन साहब, आप रुकिए, पवन जी से बातचीत कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, केसी जैन साहब, बढ़िया बोला। पवन गुर्जर साहब, ये बताइए कि आपको जो मलाई खानी थी वो मलाई तो प्रियंका गांधी खा गई, आप कम रह गए हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद और नमस्कार कि आपने यहाँ जुड़ने का मौका दिया है, और ये कोई मलाई खाने का समय नहीं है। मैं आपसे बहुत सीधा, बहुत फ्रेंकली एक बात बोल रहा हूँ। बहुत फ्रेंकली एक बात बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इस बार ये जो आप इनकैश करने की जो कोशिश कर रहे थे वो तो फुटेज सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी खा गए। आप कैसे पीछे, अगर कहीं किसी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है या कोई प्रदेश में ऐसी घटना घटती है और मुख्य विपक्षी दल वहां जाता है, तो उसको आप मलाई कैसे कह सकते? मुख्य विपक्षी दल, वही तो कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में आप मलाई होती है, विपक्षी दल नहीं मानते आप? क्या आप अपने आप को उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल नहीं मानते? आप देखिए, पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर तो कह रहा हूं, आप पीछे कैसे रह गए? समाजवादी पार्टी के लोगों ने, आप पीछे कैसे रह गए? पीछे हैं कांग्रेस पार्टी, पूरी फुटेज खा गई, जो चीजें हैं, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के दबाव में आना पड़ा, ये मानिए आप, प्रशासन को उनके दबाव में आना पड़ा, शासन को उनके दबाव में आना पड़ा, उनको मुलाकात करनी पड़ी। कोई दबाव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की इस समय जो है मिलीजुली भगत चल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस को इन चीजों में इंक्लूड करके, इन्वॉल्व करके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कमजोर, तो ये इस तरह की इनकी मानसिकता है, ये बहुत गंदी मानसिकता के लोग हैं। ऐसा अभी मेरे जैन साहब बोल रहे थे, मैंने सुना है और आप भी अक्सर देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि अभी तो इन लोगों को ये ही नहीं पता कि वो किसान थे, कभी उनको किसान बताते हैं, कभी उनको षड्यंत्रकारी बताते हैं, कभी उनको जो है आतंकवादी बताते हैं। अब मैं इन्हीं से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो षड्यंत्रकारी हैं, आतंकवादी हैं, तो क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को 45-45 लाख रुपए की जो है मदद की घोषणा नहीं देने चाहिए थे? क्या आप आतंकवादियों को भंडित करने का काम करते हैं? नहीं देने चाहिए थे? अगर ये लोग उनको आतंकवादी बोलते हैं तो क्यों देने चाहिए थे? मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा वो क्या आतंकवादी थे, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं। आप लोग इस तरह से किसानों को जो बदनाम करते हो, क्या सोच करके करते हो? आप एक एक रास्ते पे चलिए, या तो आप ये कहिए वो किसान है, या आप ये कहिए वो आतंकवादी है, आप उनको कहना क्या चाहते हैं? अभी मेरे मित्र ने भी कहा ना कि वो षड्यंत्रकारी है। ठीक है, केसी कैसे षड्यंत्रकारी है? और अगर है तो फिर केसी जैन साहब ये बताइए, अगर षड्यंत्रकारी है तो रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? ठीक है पवन जी, पूरा की पूरा आंदोलन वहां पे जो था वो षड्यंत्र के तहत था, मैं ये कह रहा हूँ, जो कि कोई परमिशन नहीं थी, ट्रैक्टर ट्राली खड़े कर देना हेलीपैड पे, ये कहां का लोकतंत्र में विरोध की कोई परमिशन नहीं हुआ करती, आपकी LIU, आपकी इंटेलिजेंस जब आपको संभावना थी, और अगर देश के मतलब प्रदेश में एक कानून मंत्री के मौजूदगी में और कानून मंत्री का बेटा इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है, तो हम कैसे प्रदेश और देश को, अगर पायलट हादसे का शिकार हो जाता, अगर वहां पे हेलीकॉप्टर किसी हादसे का शिकार हो जाता, तो आपकी आपकी LIU, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? क्या आपकी पुलिस सिर्फ व्यापारियों को मारना जानती है? क्या आपकी पुलिस सिर्फ इस देश की जनता, देश की बोली वाली जनता को लूटना चाहती है? क्या यहाँ की जनता को लूटने के लिए आपने पुलिस ने आपको पछाड़ रखा है? आपने क्या भूल गए कैसे कारोबारी को मारा है आपकी पुलिस ने? क्या मानना चाहिए कि किस लिए पुलिस है, किस लिए इंटेलिजेंस है, किस लिए LIU है, कहाँ है जैसे आसारी आप? ठीक है, आप क्या आपकी सरकार फेल हो चुकी है? हम ये मान ले सरकारी कार्यक्रम को रोकना, ठीक है। अभिषेक पवार साहब पर आएंगे आप, ठीक है, मुझे बहुत बढ़िया बात लगी पवन गुर्जर साहब की।
ठीक है, दे रहा है ब्लू स्टैक। पवन गुर्जर साहब, आपकी सरकार में जब सपा की सरकार थी तब इंटेलिजेंस यूनिट LIU जो थी बड़ी मजबूत थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, बिल्कुल ठीक है। अब अभिषेक पवार साहब के पास आ रहे हैं, अभिषेक पवार साहब देख 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मार दिए गए। नहीं नहीं, पिछली सरकार में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की हत्याएं हो गई, जनता ने हत्या कर दी। ठीक है, मैं तभी कहा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट बहुत ज्यादा कारगर थी कि सरकार में बिजनौर में इंस्पेक्टर तक मारे जाते हैं। ठीक है अभिषेक पवार साहब, बिजनौर में इंस्पेक्टर तक मारे जाते हैं, रेत माफिया। अरे अभिषेक पवार साहब, आप राजनीति में कहां हैं? अभिषेक देश की जनता को पता है। अभिषेक पवार साहब ये बात, अभिषेक पवार साहब मेरी बात सुनिए। अब ये बताइए कि ठीक है लखीमपुर खीरी में गिरफ्तारी दो लोगों की हुई है, आप मंत्री का जो बेटा है उसकी गिरफ्तारी मांग रहे हैं और मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, बर्खास्त करने की आप डिमांड कर रहे हैं बार बार सरकार से। ठीक है, अगर ये सब कुछ हो जाता है फिर तो आप वापस अपने मुद्दों पर आएंगे? देखिए, जो हम लोगों के मुद्दे हैं हम उन पर लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ठीक है, आपकी मांग क्या है? बीजेपी सरकार को हटाना आपकी मांग है? आपके मन में क्या चल रहा है? बीजेपी सरकार को हटा देना आपकी प्रमुखता की सीढ़ी में है या फिर ये तीनों कृषि कानून वापस हो जाएं, आप वो चाहते हैं? देखिए, देश का किसान चाहता है। नहीं, देश का किसान नहीं, भारतीय किसान यूनियन क्या चाहता है आप बताइए? देश का किसान की मैं बात करता हूँ। आप देश के किसान को कैसे प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? आप भारतीय किसान यूनियन क्या चाहता है उसको बताइए। मैं देश के किसान की बात करता हूँ क्योंकि मैं किसान परिवार से। देश के किसान की तो आप तीनों लोग बात करने लगेंगे, समाजवादी पार्टी भी देश के किसान की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी भी देश के किसान की बात करती है, आप भी करेंगे। आप भारतीय किसान यूनियन की बात करिए, बताइए। देखिए बात भारतीय किसान, देखिए मैं संयुक्त मोर्चा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और संयुक्त मोर्चा की ही मैं बात करूंगा। किसान मोर्चा क्या चाहता है? भारतीय किसान, हाँ भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा का ही एक पार्ट है। ठीक है, संयुक्त किसान मोर्चा क्या है? और परिवार में जो एक परिवार जो होता है उसमें कोई व्यक्ति कम काम कर लेता है, कोई व्यक्ति ज्यादा काम कर लेता है, इसी प्रकार से भारतीय किसान यूनियन जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा काम कर ले रहा है और जो संगठन है वो भी पूरा काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, बताइए। और वो कर भी रहा है। ठीक है, किसान मोर्चा क्या चाहता है? संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो क्या चाहता है? बीजेपी सरकार किसान बेदखल करना प्राथमिकता में है या फिर तीनों को वापस कराना? हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, हमारा जो संयुक्त किसान, नहीं नहीं, आप कुछ एक चीज बताइए। देखिए अभिषेक जी, अभिषेक जी एक वर्ड में बताइए, बीजेपी सरकार को बेदखल कराना आपकी प्राथमिकता में है फिलहाल या फिर तीनों कृषि कानूनों को वापस कराना? देश के किसानों को खुशहाल रखना हम लोगों की प्राथमिकता है। नहीं, आप एक बार बता दीजिए, तीनों कृषि कानूनों को वापस कराना आपकी प्राथमिकता है? देश के किसान को खुशहाल रखना हमारी प्राथमिकता है। कैसे रखेंगे? उसमें, हाँ उसमें जिस तरीके से इस सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा, MSP पे गारंटी देने के लिए कहा और उसमें वादे किए थे सन 2014 में, हट सकती है MSP? कैसे हट सकती है? आप किसान हैं, आपको समझ में आता होगा MSP कभी भी हटाई जा सकती है? आपको लगता है MSP कभी भी हटाई जा सकती है? 1972 में, नहीं नहीं वो सब छोड़िए, वो सब छोड़िए। अभिषेक पवार साहब ये बताइए, MSP कभी भी हटाई जा सकती है? आप बरगलाइए मत, MSP कभी भी हटाई जा सकती है? अरे सुन लीजिए, अरे मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं खेती किसानी नहीं जानता, मेरे दादा करते थे खेती किसानी, मुझे इतनी बात समझ में आती है कि MSP कभी नहीं हटाई जा सकती। MSP कैसे हट सकती है? नहीं जानते तो किसानों की बातें क्यों करते हैं? अगर आप खेती किसानी नहीं जानते तो MSP क्यों करते हैं? MSP कैसे हट सकती है? अरे अरे कौन सी बात कर रहे हैं आप? MSP कैसे हट सकती है? अरे MSP कैसे हट सकती है आप बताइए, आप क्यों बरगला रहे हैं लोगों को? ठीक है, दूसरी बात पर आता हूँ, ये बताइए तीनों कृषि कानूनों को वापस कराना है? तीनों कृषि कानूनों को वापस कराना है? क्या कह रहे? मैंने कहा तीनों कृषि कानून जो है उनको वापस कराना है। बिल्कुल, लेकिन लेकिन है कहाँ? है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, कहाँ है? सुप्रीम, देखिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट चीज है ही नहीं, उसके लिए प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो, अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी आदेश दिया था कि, अरे ये बताइए जो चीज है ही नहीं तो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अरे जब मेरे को इतना बताइए, जो चीज है नहीं तो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? दूध फेंटा नहीं, केक क्यों काट रहे हैं? प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं जो चीज है नहीं? मैं कह रहा हूँ कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट हो जाए।
अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को इतना मानती है, आप नहीं मानते, आप नहीं मानते, अरे हम लोग मानते हैं, तो फिर प्रदर्शन किसने कर रहे हैं? हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट मान्य है हमारे लिए, ठीक है, प्रदर्शन किसने कर रहे हैं? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं 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 गुस्सा नहीं, गुस्सा मत होइए, एक बात बताइए, प्रदर्शन किसने कर रहे हैं? कोर्ट ये भी कहती है कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट, अरे वो छोड़िए आप, उसको छोड़िए, उसको छोड़िए, अभी आपकी बात की बात कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये बीजेपी वालों से पूछ लूंगा, ये बीजेपी वालों से पूछ लूंगा, आप बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है तीनों कृषि कानूनों पर, आप प्रदर्शन किस चीज के खिलाफ कर रहे हैं? आप बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? और सुप्रीम, अरे इसका मतलब ये बात करते हैं, देखिए मुझे अपने देश की न्याय व्यवस्था पे कोई शक नहीं है, ठीक है, तो स्टे लगा हुआ है, आपको तो किसानों को जा जाकर समझाना चाहिए कि ये तीनों कृषि कानून लागू नहीं हुए, आप परेशान मत होइए, आप बगैर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को उन्होंने राज्यसभा में भेजने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट के एक जज को इन्होंने राज्यसभा में भेजने का, उससे आपका क्या लेना देना, 370 पश्चिम बंगाल, इससे आपका क्या लेना देना, आप किसान कम है नेता ज्यादा है, ठीक है, किसान नेता की जगह नेता किसान लिखवाया करिए, ठीक है, लेकिन गोगोई जैसे हमारे देश के, अरे आपका गोगोई से क्या मतलब, गोगोई अफगानिस्तान तालिबान 370 इनका आपसे क्या मतलब, अरे आप किसान नेता बनकर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज को राज्यसभा में भेजने का काम किया, 14 दिन में गन्ने का पेमेंट भी तो कोर्ट ने आदेश दिया था, आप मुझे बताइए गन्ने के पेमेंट के लिए भी तो आदेश दिया था, ठीक है, और कहा गए बीजेपी के वायदे, ठीक है, कहा गए कॉर्पोरेट सरकार के वायदे, ठीक है, और किसान आंदोलन में 90% कांग्रेसी ऐसे ही कांग्रेसी है, अरे आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस, देखिए हम लोग केवल केवल किसान की राजनीति करते हैं, किसानों का काम करते हैं, अरे बिजनौर में एक इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है, हर नागरिक की लड़ाई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप रुक जाइए, अभिषेक पवार साहब आपने बताया नहीं, हालांकि ठीक है, ठीक है, रुकिए, 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 किसान परिवार से भी आते हैं, ठीक है, पवन गुर्जर साहब, पवन गुर्जर साहब, ठीक है, पवन गुर्जर साहब के पास जाऊंगा, ठीक है, पवन गुर्जर साहब, ठीक है, कॉर्पोरेट सरकार, व्यापारियों की सरकार आप लोगों ने चलाई हुई है, पवन गुर्जर साहब के पास आऊंगा, पवन गुर्जर साहब के पास आऊंगा, ठीक है, पवन गुर्जर साहब के पास अब आऊंगा, पवन गुर्जर साहब, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, पवन गुर्जर साहब से बात कर रहा हूँ, पवन गुर्जर साहब, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो पार्टी है उसका जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है, और अब ऐसे में आप किसान आंदोलन के सहारे बची कुछ जो कुछ आपकी सरजमी है उसको बचाने की कोशिश में जुट गए? हमारी पार्टी का जनाधार प्रत्येक दिन बढ़ता जा रहा है, प्रदेश में जो निकम्मी सरकार चल रही है, जो कानून व्यवस्था से लेकर किसान मजदूर से लेकर, अरे जनाधार कहाँ बढ़ता जा रहा है, चाचा साथ नहीं आ पा रहे हैं, आप चाचा को साथ नहीं ले पा रहे हैं, वो चाचा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि 12 तारीख तक का समय दे रहा हूँ, उसके बाद अगर तब तक लिया तो लिया, नहीं तो नहीं लिया, आपके तो लोग आपस में ही बटे हुए हैं, समझ में नहीं आता कि प्रगतिशील में जाएं या फिर सिर्फ समाजवादी पार्टी में जाएं। वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, और पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रही है और लगातार जो है जनाधार बढ़ रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जब आप किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो इस समय किसानों पर ही बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। किसानों का जो मुद्दा है ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, जैन साहब आपकी पार्टी और आपका ये पुराना रहा है कि आप लोग कुछ ना तो करते हैं ना करने देते हैं, और आप अब हम चैन से बैठ के आपकी बात सुन रहे थे लेकिन आप सुन भी नहीं सकते क्योंकि आप लोगों के अंदर मन चोर भरा हुआ है। आप सुनिए, अब आप यहाँ चुनाव लड़ाने आए हैं, नहीं नहीं पवन गुर्जर साहब को बोलने दीजिए, रुकिए, जो समय आंदोलन चल रहा है आप उस पर बात करने आए, अगर आप चुनाव पे बात करना चाहते हैं तो आइए आप चुनाव पे डिबेट करिए, क्या ये 2022 कैसे जैन साहब आप बैकफुट पर खेल रहे हैं, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, समस्याओं को लेकर आप सुनिए ना, मैंने आपको सुना है, मैंने आपको सुना है, मैंने बीच में आपसे डिस्टर्बेंस नहीं किया, तो मेरा निवेदन है आप सुनिए, नहीं पवन गुर्जर साहब बोलिए, आप जवाब दीजिए, बिल्कुल पवन जी मेरा 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 कहना है कि ये जो लड़ाई चल रही है ये केवल किसानों की लड़ाई नहीं है चौहान साहब, ये सारे एक भारतीय नागरिक की लड़ाई है, जैन साहब सुन, देश में पैदा हुआ है, सुनिए आप, सुनिए, अरे महाशय मुझसे परेशान नहीं, मैं डिबेट छोड़ के चला हूं जैन साहब, नहीं नहीं आप बोलिए पवन गुर्जर साहब, बोलिए कैसी जैन साहब, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ी सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनिए उससे क्या मतलब है किसान आंदोलन का, बोलिए पवन गुर्जर साहब, आप बोलिए, आपके लोग तो वीडियो वायरल हो रही है, आपके राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चला रहा है, आप हमें जो है इस तरह की चीजें बता रहे हैं, बताओ
जो देश पे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था को चलाने वाले मंत्री हैं उनका बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है। आप बात करते हो कानून व्यवस्था की, शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग गाड़ी नहीं कानून व्यवस्था को देखने वाले। किसने चढ़ाई गाड़ी, किसने चढ़ाई गाड़ी? आपने अपने राज्य मंत्री के बेटे को इतनी आजादी दे दी कि आप अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दो। किसान आंदोलन के अंग्रेज हो गए हैं। ये हिटलर हिटलर सरकार है। इस तरह तो अंग्रेजों ने भी नहीं कुचला था जिस तरह तुम लोग कुचल रहे हो। कांग्रेसी और सपा थे वहाँ पे दंगा करने वाले, ठीक है? कांग्रेसी भी थे। ठीक है केसी जैन साहब, एक गाड़ी चलाने का अधिकार है? ठीक है पवन गुर्जर साहब, आपको सुन लिया मैंने, आपको सुन लिया। ठीक है केसी जैन साहब, ये बताइए, आप बार बार पीछे से बोल रहे हैं वो कांग्रेसी थे, वो सपाई थे, तो कांग्रेसी थे तो सपाई थे तो क्या गाड़ी चढ़ाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों चढ़ाई? बिल्कुल नहीं। वहां पे गाड़ी किसने, क्यों मुआवजा दिया आपने कांग्रेसियों को, सपाइयों को? इसकी भी जांच होगी। पीछे से गाड़ी कौन दौड़ा रहा था, कौन हमला कर रहा था गाड़ी पे, गाड़ी से लोगों को बाहर कौन खींच रहा था? आप अगर आपको दो चार दिन का समय और मिल गया आप तो ये कह देंगे कि गाड़ी भी कांग्रेसी चला रहा था और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर सपाई बैठे थे। गाड़ी से खींच करके चार साल बीतने को जा रहे हैं, इन पे पुलवामा हमले की जांच नहीं हुई अभी तक। देश की क्या जांच करेंगे जिसमें इनके खुद लोग शामिल हैं? हत्या कर दी गई। 302 का मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच नहीं हुआ करती, गिरफ्तारियां हुआ करती है। आप जांच बता रहे हो, नोटिस बता रहे हो, क्यों हत्या का मुकदमा दर्ज किया आपने? आपने मुकदमा क्यों हत्या का दर्ज कराया? और अगर कराया तो कराइए गिरफ्तारी, दमे तो कराइए। आप सरकार में कराइए, गाड़ी पे जिसने आपकी पार्टी की संवेदनाएं मर चुकी है। आप लोग गिने चुने लोगों के लिए काम कर रहे हो, एक जो है एजेंडा बना करके काम कर रहे हो। सिर्फ आप तो अंग्रेजों से भी बुरी सरकार चला रहे हो। ठीक है पवन गुर्जर साहब, आप पवन गुर्जर साहब, ठीक है आपकी बात मुझे मिल गई। अब केसी जैन साहब के पास आऊंगा। ठीक है केसी जैन साहब, आप हर चीज पर जांच होगी जांच होगी जांच होगी, ये बताइए, ये सही बात है कि मुकदमा दर्ज हो चुका है, मंत्री का सिर्फ बेटा है, महज इतनी सी बात को लेकर पुलिस हाथ डालने से डर रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ये वो देश है भारत देश, इसका संविधान इतना मजबूत है कि यहाँ पे पीवी नरसिंह राव जैसे प्रधानमंत्री भी जेल गए तो कोई भी बच नहीं सकता है यहाँ पर, कितने भी बड़े पद पे हो। और संविधान समय मिल सकता है, समय मिल सकता है, वापस ले लिया जाएगा। आपने चार दिन के लिए, ठीक है आपने जो घटना को, ठीक है आपने इतना समय ले लिया, पांच दिन हो गए जी, ठीक है ये बताइए तो आप समय किसने ले रहे हैं? साहब पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद। रुकिए एक मिनट रुकिए, क्या मैं अपनी बात कह सकता हूँ? बिल्कुल आप पर आऊंगा अभिषेक जी, आप पर आऊंगा, थोड़ा सा समय और दीजिए। केसी जैन साहब, केसी जैन साहब ये बताइए, एक मिनट ये बताइए केसी जैन साहब, इतना समय क्यों लग रहा है? मंत्री का बेटा है सिर्फ इसलिए इतना समय लग रहा है? किस चीज में समय लगा? जांच में इतना समय क्यों लग रहा है, गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लग रहा है, जब स्थानीय लोग किसान वहां पर जो मौके पर मौजूद थे वो बार बार कह रहे हैं कि उसमें मंत्री का बेटा शामिल था, तो मंत्री के बेटे को बचाने की लगातार कोशिशें क्यों हो रही हैं? बिल्कुल नहीं, कोई बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। वहां पे लोगों के स्टेटमेंट आए हैं, उनके जो स्टेटमेंट है वो भी पुलिस लगातार नोट कर रही है। और कोई अगर इतने जघन्य, ठीक है इतना जघन्य अपराध कहूंगा इसे, इतनी बिभत्स तस्वीरें वहां से आई, दर्दनाक तस्वीरें आई, उसमें अगर आपके मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है तो आप लोग लगातार उस बचाव डिफेंसिव पोजीशन में क्यों हैं? देखिए बचाव कोई नहीं है, आप ये बताइए अगर वो वहां से प्री प्लानिंग नहीं होती तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसान इतने है। आप क्यों नहीं मानते? किसान किसी की पीट किसी ड्राइवर की पीट पीट करके किसान हत्या करते हैं। अरे ड्राइवर की हत्या कर दी, अगर आप किसी के ऊपर वो चीज आपको दिख रही फूल वाला पहला ही आपने है। लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई उस चीज पर भी बात करिए, ये स्वाभाविक चीज है। अगर आप भीड़ में किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाओगे तो भीड़ असंतुलित होकर अनियंत्रित होकर इस तरह की वारदातें होती है। उस भीड़ को आपके मंत्री के बेटे ने बताया। अरे आप समाजवादी पार्टी वाले गुंडागर्दी वाली तस्वीर, रुकिए अभी रुकिए, ठीक है अभिषेक पवार साहब आइए, ठीक है आप वहां पे जांच हो रही है, जांच पे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि उनका बेटा वहां पे था नहीं था मंत्री जी का,
दूसरी बात यह है कि अगर वो वहां होता तो जिसका नहीं मिलता तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसकी हत्या के लिए सारा प्रयत्न किया गया वहां। जब वो वहां नहीं था तो क्यों साक्ष्य अभी तक नहीं दे पाए हैं? चाहिए आप साक्ष्य दीजिए, आपकी पुलिस है, आपका सरकार है, आप साक्ष्य दीजिए। क्यों मुकदमा दर्ज हुआ जब आपके मंत्री का बेटा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभिषेक पवार साहब रहूंगा। अभिषेक जी ये ठीक है। अभिषेक जी, केसी जैन साहब कह रहे हैं कि दरअसल जो पूरी उस दिन घटना हुई वो दरअसल घटना प्रायोजित थी, इसलिए थी ताकि मंत्री जी के बेटे की पीट पीट कर हत्या की जा सके, इनका तो ये कहना है। देखिए केसी जैन साहब, पहले तो अगर मैं बीच में बोल रहा हूँ तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई बीच में नहीं बोलेगा, बोलिए। मैं देश के किसान का एक अदना सा छोटा सा बच्चा हूँ, आप बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट छोड़ के बीच से चला जाऊंगा। आप सुनिए, क्योंकि मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूं। आप ये कहते हैं कि वो घटना सुनियोजित है, उस घटना में, और मैं तीन सवाल पूछूंगा और इन तीन सवाल का घुमा के जवाब मत देना। आप साहब बताना कि जांच हो रही है या ये हो रही है, सीधा सीधा बचाव मत करना। अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो सीधा सीधा जवाब देना। जिस तरीके से हम लोग आपकी सरकार का सामना करने का काम कर रहे हैं और अपनी मांग मांगने के लिए हम लोग 10 महीने से बैठे हैं, तो सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। आप कहते हैं कि वो घटना सुनियोजित है, तो आप लोगों ने 45 लाख क्यों दिए? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि गाड़ी में कोई और था, तो गाड़ी किसकी थी? और गाड़ी अगर आपकी नहीं थी तो नाम किसके है? आपने आरटीओ में जाके पता किया? मैं दूं आपको आंकड़ा, अभी दे दूंगा 5 मिनट में, वो गाड़ी किसके नाम है। और अगर गाड़ी में गुंडे हैं तो इसका मतलब आपके मंत्री गुंडे पालते हैं। अरे तो वहां है? आपके लिखाई है ना आप अपने बिहार पुलिस को, अरे इसका लिखा है। कौन सा पुलिस को जाके आप लोग तो बराबर कह रहे हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं। अरे जांच कर रहे हैं, अगर आपके विधायक के साथ उसकी नीतियों का अगर विरोध कर दे देश का किसान, तो आप 24 घंटे में थाने को घेरने का काम करते हैं, थाने में तोड़फोड़ करने का काम करते हैं। और अगर आपकी ही सरकार के मंत्री के पुत्र द्वारा इस प्रकार का जघन्य अपराध और इस प्रकार का गलत कृत्य कर दिया जाता है, तो आप उसको जांच कर ढकोसला बनाने का काम करते हैं। दिस इज नॉट फेयर। आप लोग केवल इस देश के किसान को बेचने का काम कर रहे हैं। आप लोग केवल किसान को, दो लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं। और ये जवाब मेरे देश का किसान सन 2022 में भी देगा और मेरे देश का किसान सन 2024 में भी आपको देने वाला है। ठीक है, आप लोग को समझना होगा। ठीक है अभिषेक पवार साहब, एक और चीज यहाँ पर, ठीक है, एक और चीज है जो आप दर्शकों को थोड़ा बताइएगा कि राकेश टिकैत साहब ने कहा है कि 11 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे, तो अब जो पहले से आंदोलन चल रहा है उसका क्या होगा? और ये कौन सा आंदोलन है कि उसमें आप हत्याएं कर देंगे पीट पीट करके? किसान आंदोलन में क्या करें? अरे एक हजार मेरे किसान मर गए। अगर आप लोग, एक हजार मेरे किसान मर गए भाई, मेरे देश का 1000 से ज्यादा किसान मर गया है। आपने बात की मेरे देश का 1000 से ज्यादा किसान मर गया है। गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, देखिए ऐसा मत करिए, तीनों लोग एक साथ बोलिए, ठीक है? अपने डीसी से, रुकिए, अभिषेक जी रुकिए, ठीक है रुकिए, तीनों लोग एक साथ, ठीक है, सबकी, ठीक है, सबकी बात आ गई है। ये बताइए अभिषेक जी, जो राकेश टिकैत साहब ने बोला है कि अगर 11 तारीख तक इस्तीफा नहीं लिया गया तो ऐसे में वो आंदोलन करेंगे, तो पहले से जो आंदोलन चल रहा है उसका क्या? देखिए, ये देश का किसान है, ये देश का किसान अपनी मांग मानने के लिए उसको 1000 आंदोलन भी करने पड़े, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए उसको 1000 आंदोलन भी करना पड़े। देश के किसान की नजर पहले खेत पे है और खेत के साथ साथ आंदोलन पे है, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए देश का किसान 1000 आंदोलन करने के लिए तैयार है, हर सरकार से लड़ने के लिए तैयार है। आप कांग्रेस सरकार से लड़ते नजर नहीं आते। अभिषेक जी, इस देश के शासक जो है हिटलर है और वो कुछ पूंजीपतियों के गुलाम है जिन्होंने उन्हें पूरी
गुलामी का वचन दिया है, आप ये कैसे भूल रहे हैं? ये किसानों की क्यों सुनेंगे? ये पूंजीपतियों के गुलाम है ये लोग। अरे अगर आपने सुन ली होती ठीक है, अगर पवन गुर्जर साहब आपने सुन ली होती तो ये नौबत ही नहीं आती। चौहान साहब, आपने पवन गुर्जर साहब अगर आपने सुन ली होती तो ये नौबत ही नहीं आती। आपने कहा एक सेकंड, जी हाँ बोलिए। पोर्ट पे हजारों टन संख्या में जरा सा अफीम पकड़ा जाता है, क्या कार्रवाई की आपने भाई? अरे आपको नहीं मालूम होगा, आप वो इनके परम मित्र हैं। मेरे देश के किसान को कोई मालूम नहीं है, मेरे देश के किसान। ठीक है, आपको जब इतना कुछ मालूम है कि वहां पर ये पकड़ा गया तो महाराष्ट्र में गन्ना समर्थन मूल्य क्या है ये भी आपको मालूम होगा। क्या होता है अगर कोई पकड़ा जाता है तो क्या होता है? ठीक है, आप उसको रोकिए, आप उसको रोकिए जरा। ठीक है अभिषेक पवार साहब, जब आप बोल रहे हैं कि वहां पर इतना चरस पकड़ा गया, इतना गांजा पकड़ा गया, महाराष्ट्र में गन्ना समर्थन मूल्य क्या है? मेरे राकेश टिकेत वहां पे हमारे संयुक्त मोर्चा के जो हम लोगों के प्रतिनिधि राकेश टिकेत जी वहां पहुंचने का काम किया, वहां पे पहुंचने का काम किया और भी माल मांगने के लिए हम लोग रेडी रहे। हर सरकार से लड़ाई है जो किसान विरोधी सरकार है, हर सरकार से लड़ाई हम लोगों की है। तो आप जितना उग्र आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं उतना उग्र आंदोलन आप महाराष्ट्र में करके क्यों नहीं दिखते? देखिए देश का हर एक किसान एक मंच पे आ चुका है, वो जागरूक हो चुका है, आंदोलन वहां पे भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये गोदी में राजस्थान में आपको राजस्थान में किसान आंदोलन पर लाठीचार्ज किया गया, इसको लेकर आप उग्र क्यों नहीं हुए? राजस्थान में किसान आंदोलन पर लाठीचार्ज किया गया, राजस्थान में किसान आंदोलन पर लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर आप उग्र क्यों नहीं हुए? देश के किसान को त्रस्त करने का काम कर दिया है किसान, और उसका बदला वोट की चोट पे लेने का काम करेंगे, उसका बदला वोट की चोट पे लेने का काम मेरे देश का किसान। आपकी लड़ाई किससे है, बीजेपी सरकार से है या सिर्फ सरकार की बात हो, हरियाणा की बात हो, कि आप एक दूसरे के राजस्थान में, मैं ये पूछ रहा था आपसे अभिषेक पवार साहब, राजस्थान में किसान आंदोलन पर लाठी चार्ज किया गया, उसको आपने मुद्दा क्यों नहीं बनाया अभी तक? राजस्थान में आप शांत क्यों गए? देखिए हम हर एक मुद्दा बना, अगर जहाँ किसानों के अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, मान सम्मान में उनके साथ खिलवाड़ करने का काम कोई भी सरकार हो, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है अभिषेक पवार साहब, लोग कहते हैं कि जो असली किसान है वो दरअसल खेतों पर काम कर रहे हैं, आप लोग किसान नेता किसान नहीं मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए, माफी मांगिए। नहीं मैंने सुना नहीं, लेकिन हालांकि अगर केसी जैन साहब आप कुछ भी बोल रहे हैं तो भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। माफी मांगिए, आप किसान बोल रहे हैं, लगता है आपके मन में किसानों के प्रति जो भावना है उसने काफी नेगेटिव रूप ले लिया। किसानों को आंदोलनजीवी बोलते हैं, कभी तालिबानी बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी जो ये कुछ बोलते हैं किसानों को, मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए जैन साहब, मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए। आप किसानों से माफी मांगिए, अभी देश के किसान से माफी मांगिए, आप देश के किसान से माफी मांगिए। आप पिछड़ों बोलते हैं देश के किसान को, कभी आंदोलनजीवी बोलते हैं, कभी तालिबानी बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, आप माफी मांगिए। मैं अभी डिबेट छोड़ दूंगा। अगर अभिषेक पवार साहब, मैंने हालांकि सुन नहीं पाया, आप तीनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, उस बीच मुझे सुनाई नहीं दिया, हालांकि अगर ऐसी कोई भी बातचीत इन्होंने बोली है तो उसके लिए माफी मांगी। देश के किसान को पिछले को बोल रहे हैं, ये माफी मांगिए वरना मैं डिबेट छोड़ दूंगा। देश के किसानों से माफी मांगिए। केसी जैन साहब, आपने जिस भी शब्द का प्रयोग किया है वो आप देश के किसानों के लिए कर रहे हैं। आपको किसने अधिकार दिया है? नहीं हो सकते हैं। नहीं केसी जैन साहब, 1-2-1 रखिए जरा। केसी जैन साहब, किसानी का इनको तय नहीं पता है, ये बात करते किसान की किसानी का तय नहीं पता इनको। चलिए ठीक है, सुने हैं, अगर ये उनको, चलिए ठीक है, एक एक कमेंट लूंगा आप तीनों से, समय की कमी है, एक एक कमेंट लूंगा आप तीनों से,
सबसे पहले मैं जाऊंगा समाजवादी पार्टी से जो हमारे साथ है पवन गुर्जर साहब के पास। पवन गुर्जर साहब, ठीक है ये मसला तो दबता नजर आ रहा है, ये मसला तो हल होता नजर आ रहा है, ठीक है, किसान भी मान गए हैं, सरकार भी मान गई है। अब ये बताइए आपके पास इससे इतर और कोई मसला है, कोई मुद्दा है? सब मुद्दे ही मुद्दे हैं, ये बताइए कि कौन सा वर्ग इनकी सरकार। आप ट्विटर से कैसे मुद्दों को लड़ेंगे? आप ट्विटर पर ज्यादा नजर आते हैं। पेट्रोल पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गया? एक घर में यूज होने वाला सरसों का तेल कहाँ पहुंच गया? आप विपक्ष में आपने क्या किया? आप विपक्ष में आपने क्या किया? अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पर नजर आते हैं। आप विपक्ष में आपने क्या किया? पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, डीजल का प्राइस बढ़ गया, आपने क्या किया? आप थोड़ा ध्यान से देखिए चौहान साहब, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन पर इनकी सरकार तमाम तरह के मुकदमे लगाकर जेल भेज रही है। आपने भी लगाए होंगे, आपने भी लगाए होंगे, आपने भी लगाए होंगे। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा था कि हमारी सरकार आने दो, इनको बताएंगे। आप भी लगाइएगा। नहीं क्या, ठीक है, ये इन लोगों ने इस तरह का काम किया है, ठीक है, आपके, ठीक है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था। रुकिए एक मिनट, ठीक है, सुन लीजिए पवन गुर्जर साहब, आप कह रहे हैं कि उन्होंने आप पर मुकदमे लगाए। अखिलेश यादव साहब ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम इनको सबक सिखा देंगे। ठीक है, आप भी लगा लीजिए मुकदमे, यही करते रहिएगा आप दोनों पार्टियां। ठीक है, अब आता हूं केसी जैन साहब आप पर। केसी जैन साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी का, ठीक है, आपकी सरकार का एक राज्य मंत्री है, उसके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं, कुछ दिनों पहले वो इस तरीके की बयानबाजी भी करते हैं किसानों को लेकर, उनका बेटा उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है, वो फरार है, ऐसे में आप लगातार जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप फंसते जा रहे हैं? देखिए, रही बात की बयान से, कोई इस तरीके का बयान नहीं था कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए, क्योंकि इसके पहले बड़ा और छोटा कैसे होता है? बयान देते रहे, मेरी बात सुनिए, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसका ना, ओवैसी ओवैसी जैसे लोग इस तरीके का बयान देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए। अरे मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ, रामायण पर क्यों पहुंच रहे हैं, वो छोड़िए, आप एक बात बताइए मुझको, आप एक बात बताइए कि आपकी पार्टी का एक राज्य मंत्री उसके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं, उनके बेटे के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं, मुकदमा दर्ज होता है, वो फरार है, आपकी सरकार कर क्या रही है? कब तक बचाएंगे आप? कब तक बचाएंगे आप? कब तक बचाएंगे? चौहान साहब एक सेकंड, आपको पता है पार्टी का कितना नुकसान हो सकता है? कब तक बचाएंगे आप? कब तक बचा लेंगे आप? देखिए वहाँ पे जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई उसकी भी जांच हो रही है, और गाड़ी से जिस प्रकार से लोगों की जाने गए उसकी भी जांच हो रही है, ये जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा, जो भी दोषी है बिल्कुल जेल में जाएगा और जाएगी। लेकिन जो पीड़ित परिवार है पीड़ित परिवार के साथ 45 लाख राहत देने के साथ साथ मुआवजा पॉलिटिक्स मत करिए कि मुआवजा 45 लाख दे दिया, मुआवजा 10 लाख दे दिया, उसको छोड़िए। जिस मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, जिसकी गाड़ी साफ साफ दिखती है, आप ये प्रचार मंत्रियों की सरकार है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, कैसे दोषी पा पाएंगे आप? कैसे दोषी ढूंढ पाएंगे आप? आप जब पूरे इलाके में इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर देंगे, विपक्ष के किसी नेता को जाने नहीं देंगे, आप वहां कर क्या रहे थे? कोई सेटिंग बैठा रहे थे किस तरीके से मंत्री के बेटे को बचाया जा सके, किस तरीके से जो लोग उनके खिलाफ बोल सकते हैं, जो लोग गवाह बन सकते हैं, उनको शांत कराया जा सके, कैसे किसानों का मुंह बंद किया जा सके? देखिए बिल्कुल नहीं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, एक घटना का लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना या फिर अपने मंत्री के बेटे को बचाए रखना? देखिए एक घटना के जवाब, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है आपका, ठीक है, वचन मिल गया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभिषेक पवार साहब के पास जाऊंगा आखिरी बार। अभिषेक पवार साहब, ये बताइएगा कि अब क्या कुछ होगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी ठीक है, अब किसान भी मान गए हैं वहां पर, ठीक है, सरकार के साथ बातचीत का दौर जो है वो जारी है, किसान आंदोलन पर वापस लौटेंगे या फिर एक नया आंदोलन शुरू करने वाले हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आपको पहले भी सवाल यही किया था कि जिस तरीके से राकेश टिकैत साहब ने कहा है कि 11 तारीख तक अगर बर्खास्त नहीं किया गया या फिर उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया गया तो ऐसे में वो आंदोलन करेंगे बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेंगे या फिर किसान आंदोलन जो सरकार के खिलाफ था वो जारी? जो हमारा संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा उसके साथ हम लोग तैयार है, हर तरीके से तैयार है, संयुक्त मोर्चा हमारा जो फैसला लेगा। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जो चर्चा थी वो इस विषय पर थी कि किस तरीके से जो आंदोलन है वो क्या रास्ता भटक चुका है, जिस आंदोलन की शुरुआत 3 कृषि कानूनों को वापस कराने से थी और धीरे धीरे वो एमएसपी पर गारंटी के साथ बदलती तस्वीरों के साथ बदलती चली गई और अब जाकर कहां टिकी है, अब जाकर टिकी है लखीमपुर हिंसा पर।
ऐसे में अब ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ये किसान आंदोलन है किसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।